तो आज मैं आया था अपने छोटे भाई के साथ यार इस डायमंड कैसीनो में। यार बहुत सारे गेम्स के लिए बस एक जो लास्ट गेम था अगर उसमें जीत जाते तो मेरे बहुत ही तगड़ी वाली कार मिलने वाली थी, पर कोई बात नहीं, अभी भी यार फरारी तो हमारे पास है यार, बहुत ही मजा। अबे ये कौन है, अबे क्या कर रहा है? फ्लैश कैसा है तू, क्या हाल है तेरे, ये तेरी गाड़ी ना निकल यहाँ से। अबे ये क्या कर रहे हैं, अबे भाई 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 मेरे छोटे भाई को छोड़ दे, अबे क्या कर रहे हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूँ, इसको तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। अबे कहाँ लेके जा रहे, पागल है क्या? मैं इसको इस पृथ्वी से बहुत दूर लेके जाऊंगा जहाँ तू कभी आ भी नहीं सकता। भैया बचा लो मुझे। अरे छोड़ दे मेरे छोटे भाई को, भाई कहाँ लेके चला गया। अबे भाई ये कितना ज्यादा ऊपर जाता जा रहा है, अरे मैं क्या करूँ क्या करूँ, अरे मैं ऊपर उड़ भी नहीं सकता यार, अबे कैसे पकड़ू उसे। अबे वो कहाँ लेके जा रहा है, वो बोल रहा है भाई पृथ्वी से बाहर लेके जाएगा। अबे क्या पागल वागल हो गया है क्या, मैं कैसे जाऊँ उसके पास, अबे गाड़ी भी नहीं जाती उधर तो। कुछ समझ जा रहा, क्या करूँ क्या करूँ, मुझे कैसे भी करके मेरे छोटे भाई को बचाना पड़ेगा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अरे फ्लैश मुझे पता चला है तुम्हारे भाई को इविल फ्लैश उठा के ले गया है। अबे शैडो सोनी तुझे कैसे पता चला? अरे मुझे सब पता चल जाता है, अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ तेरे भाई को वापस लाने के लिए। अच्छा वो कैसे करेगा? वो साला इविल फ्लैश एक बार मेरे भी घर वालों को उठा के ले गया था, वो उसको लेके मार्स पर चला गया था, मार्स पे इतनी मुश्किल से मैं वापस से लेके आया था उसको। कोई बात नहीं, मैं तुझे ऐसी लेवल में अपग्रेड कर सकता हूँ, तू पूरे के पूरे स्पेस में कहीं भी घूम सकता है, तुझे बस मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं तेरी जंप को बूस्ट करवाऊंगा, मैं तुझे प्रैक्टिस करवा करवा के तेरे जंप को इतना ज्यादा बढ़ा दूंगा कि तू स्पेस तक कूद पाएगा। अरे क्या सही में? हाँ बस तू मेरी बात सुनता जा और मैं तुझे तेरे भाई तक पहुंचा दूंगा। अरे हाँ बता बता मुझे क्या करना है। पहले तो तुझे इस गाड़ी के ऊपर से कूदना पड़ेगा। ठीक है मैं कूदता, ये ले कूद गया कूद गया कूद गया। अब तेरे धीरे धीरे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे तू कूदेगा बड़ी बड़ी चीजों से तेरे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। और यहाँ से कूदते हैं, अरे एक सेकंड, यहाँ से तो मैं कूद ही नहीं पाया। गाइस यार मुझे आपकी शक्तियाँ चाहिए, फटाफट जाके यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं इस प्लेन के ऊपर से कूद सकूं। और एक प्लेन नहीं, मैं चारों के चारों प्लेन के ऊपर से कूदूंगा। और यहाँ से कूदते हैं और ये मैंने पूरी की पूरी चालांग मार ली और चार के चार प्लेन पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए और मेरे पॉइंट्स यार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को मुझे बहुत ज्यादा करना है ताकि मैं स्पेस तक जंप कर सकूं, उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। तो फटाफट से लाइक करते रहना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं अपने भाई को कैसे भी करके बचा के रहूंगा और अब मेरी मदद करने वाला है शैडो सोनिक। अभी तेरे पास सिर्फ 100 पॉइंट्स है, स्पेस यार बहुत ज्यादा दूर है तो तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे हाँ तू टेंशन मत ले, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कोई सी मेहनत कर सकता हूँ। अरे हाँ तो चल तू फिर मेरे साथ, मैं तुझे बता दूं तुझे क्या क्या करना है। हाँ चल चल चल। तो गाइस सर अभी मैं कूदने वाला हूँ इस पूरी लेक के ऊपर से और यहाँ से जब मैं कूदूंगा तब मैं और ज्यादा अच्छा कूद पाऊंगा। पर ये क्या, ये तो मैं यहीं पे गिर गया, अरे बचाओ मुझे, मैं तो पानी में जा रहा हूँ। अरे नहीं यार मेरे पास अभी इतनी शक्तियाँ नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे साक्षात दम दिखाना पड़ेगा। और गाइस सर आपको भी अपना दम दिखा के फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर देना फ्लैश ओपी और उसके भाई को तो हम कैसे भी करके बचा के रहेंगे। मैं पूरी की पूरी जान लगा दूंगा अपनी, बहुत तेज भागूंगा बहुत तेज भागूंगा, मुझे और भी लंबे लंबे जंप लेने ताकि मैं स्पेस तक जंप ले सकूं। अभी चलो एक और बार ट्राई करते हैं और यहां से फटाफट से कूदते हैं और ये मैं बहुत ही लंबा जंप लिया और ये भाई बिल्कुल थोड़ा सा बच गया यार, बिल्कुल देखो कहां एंड के पॉइंट तक आया हूं। पर कोई बात नहीं, मैं एक और ट्राई करूंगा और यहां से वापस से कूदते हैं और क्या मैं पहुंच पाऊंगा, और ये मैं पहुंच गया, यस यस यस। मेरे यार 300 पॉइंट्स हो चुके जंप के, पर मुझे अभी और भी ज्यादा पॉइंट्स चाहिए ताकि मैं स्पेस तक जा सकूं। तो वो तो मेरी शैडो सोनिक मदद करता ही रहेगा और आप भी मदद करते रहना। तो अभी हम आ चुके लॉस सैंटोस के सबसे बड़े पहाड़ माउंट चिलियाड पर, उससे भी बड़ी बात है यहाँ पे बन चुकी है बहुत सारी सीढ़ियाँ जिसके ऊपर मैं जाने वाला हूँ। मतलब यार मैं ऐसे नहीं जाने वाला सीढ़ियाँ चढ़ के, मैं कूद कूद के जाने वाला हूँ। जब तक मैं बिल्कुल ऊपर तक नहीं पहुंच जाता मैं हार नहीं मानने वाला, क्योंकि ये सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर ये मैंने कंप्लीट कर लिया तो स्पेस में लिए थोड़ा थोड़ा आसान होता जाएगा धीरे धीरे। पर कोई बात नहीं, फटाफट ऊपर जंप मारते हैं, हमें और ऊपर जंप मारनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं अटक चुका हूँ, आधा मैंने कंप्लीट कर लिया और फिर से मैंने जंप मार लिया और मैं अब उससे भी ज्यादा ऊपर जा चुका और यहाँ पे लैंड करते और भाई साहब मेरे 500 से प्लस पॉइंट्स हो चुके। अब लगता है मैं बहुत ही ज्यादा करीब जाता जा रहा हूँ स्पेस की तरफ और मेरे भाई को जल्दी से जल्दी बचाना है। तो मुझे और भी अपने पॉइंट्स से होंगे क्योंकि मैं इतना भी ऊपर नहीं कूद पा रहा कि मैं स्पेस चला जाऊँ, मुझे कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। शैडो सोनिक भाई कुछ ऐसा कर दे जिससे मैं एक ही बार में स्पेस की तरफ पहुंच जाऊँ। मेरे यार पॉइंट्स यार बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं पर और भी जल्दी बढ़ सकते हैं अगर आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप अभी कभी सब्सक्राइब करोगे तो एकदम से मेरे 700 हो जाने वाले पॉइंट्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और अपन चलते और कुछ सोचते हैं अपने यार पॉइंट्स बढ़ाने के लिए।
तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये है लॉस सेंटोस की सबसे बड़ी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी है और मैं कोशिश करने वाला हूँ इसके ऊपर चढ़ने की। मेरे ऑलरेडी 700 पॉइंट्स हो चुके हैं और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मैं यार बहुत ही ज्यादा कूदे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ। तो अब यार मुझे बस 1000 पॉइंट्स करने, फिर मैं अपने भाई को आखिरकार बचा लूंगा। पहली बार में तो मैं नहीं चढ़ पाया, दूसरी बार कोशिश करते हैं और ये बहुत ही क्लोज पहुंच गया था, मैं फिर से गिर चुका हूँ। मेरे 800 पॉइंट हो चुके हैं और ये वापस से कूदते हैं और यहाँ पे मैं लैंड कर चुका हूँ। पर यार मैंने आधे में कूदा तो मैं एक और बार वापस से ट्राई करना चाहूंगा। मेरे 900 पॉइंट्स बस हो ही गए, तो आखिरी बार वापस से कूदते हैं यहाँ से। ये और ये मैं इतना ज्यादा ऊपर हो गया और ये मैंने कंप्लीट कर लिए और मेरे पॉइंट्स यार बहुत ही तेजी से बढ़े जा रहे। 950 हो चुके, बस 50 कॉइंस और ये सिर्फ होने वाले 20 पॉइंट्स और बचे और ये हो गए 1000 पॉइंट्स। आखिरकार मैं हो चुका हूं अपग्रेड स्पेस में जाने के लिए और अभी मैं जाने वाला हूं सीधा स्पेस और अपने भाई को बचाने वाला हूं। तो बिना इसी देरी के अपन चलते हैं सीधा स्पेस की तरफ। तो अब वो टाइम आ चुका है स्पेस में जाने का, अब मुझे बिना इसी देरी के जाना है। मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं करनी, बहुत ही ऊंची जंप मैंने मार ली। मैं ऊपर जाता जा रहा हूं और ये मैं अर्थ की यार एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता जा रहा हूं। अभी भी मैं हवा में उड़ रहा हूं पर ऐसा लग नहीं रहा और यहां पे मैं आ चुका हूं। एक सेकंड, ये मैं कहां पे आ गया भाई? ये कोई अलग सा ही प्लेनेट दिख रहा है। यहां पे देख सकते हो भाई हर जगह इतने गंदे गंदे बादल और इसका यार जमीन तो देखो कैसी अजीब सी है। मुझे मेरे यहां पे भाई को ढूंढना पड़ेगा, पर ऐसे नहीं हो सके कि मैं गलत प्लेनेट पे तो नहीं आ गया भाई, कहीं दूसरे प्लेनेट पे तो नहीं मेरे भाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक सेकंड वहां पे कौन है और यहाँ पे ये क्या चल रहा है? और एक से मुझे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। अबे कौन है भी वहाँ पे? अबे ये तो मेरा भाई है यहाँ पे। अरे फ्लैश तू यहाँ पे कैसे आ गया? यहाँ पे मेरे अलावा कोई भी नहीं आ सकता, मैं एविल फ्लैश हूँ। अबे तू एविल फ्लैश है तो मैं बहुत ही खतरनाक वाला फ्लैश हूँ। साले तू मेरे भाई को किससे पूछ के लगे यहाँ पे और मेरे भाई को यहाँ पे कैदी बना रखा है? मैं तुझे बिल्कुल भी छूने वाला साले, निकल यहाँ से भाई, तुझे छतरी में घुमा घुमा के मारूंगा। साले तूने मेरे भाई को मारा, ये ले। अरे छोड़ दे मुझे वरना तेरे भाई को फेंक दूंगा। अबे क्या फेंकेगा, मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ूंगा। तेरे प्लेनेट पे घुस के तुझे ही मैं बहुत ही बुरा वाला मारने वाला, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये ले, आया मजा ना? मेरे भाई को पकड़ेगा, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा इसके प्लेनेट पे घुस के। भाई ये प्लेनेट देखो पर कितना ज्यादा खतरनाक है, यहां पे कुछ पेड़ नहीं है, कुछ लोग नहीं, यहां पे कुछ भी नहीं है। अरे सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भाई के साथ बहुत बुरा किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो, तेरे चक्कर में इतनी सारी मेहनत करके भाई मैं इतना दूर से आया हूं और ये निकल यहां से। तो अभी मैंने इसको फेंक दिया बहुत ही दूर और मेरे भाई को भी फटाफट से मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया। अरे मैं आ गया तुझे बचाने। अरे भैया आप आ गए, अरे मैं तो बहुत ही डर गया था, इसने मुझे यहाँ पे लॉलीपॉप भी नहीं दी, इसने मुझे बहुत परेशान किया। अरे तू टेंशन मत ले, उसको मैंने फेंक दिया बहुत ही ज्यादा दूर और अभी हम जाने वाले सीधा अर्थ की तरफ। तो यहाँ से लेते हैं एक बड़ी सी जंप और सीधा अर्थ पे अपन वापस से जाने वाले। तो गाइस हम बस पहुंचने वाले और ये हम आ गए, ये ले अपन वापस से आ चुके सीधा पानी के अंदर, हमने लैंडिंग कर लिए। आखिरकार हम यार वापस अपनी अर्थ पे आ गए। अरे भैया मुझे तो छोड़ दो। अरे नहीं, अब मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ने वाला, तू हमेशा मेरे साथ रहने वाला है वरना तेरे को कोई ना कोई उठा के ले जाता है। तो गाइस मैं अपने भाई को वापस से लेके आ गया हूं उस यार इविल हल्क से बचा के और अभी चलते हैं। अरे इसको कहां उठा रखा है मैंने? अरे भैया छोड़ो ना। अरे हां छोड़ो, सॉरी मैं तो ऐसे जंप मारा था, इसको भी अपन छोड़ देते। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाकर ज्वाइन फॉलो कर लेना। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।